ये भाई हल्द्वानी के हैं, उत्तराखंड के, और इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जो है पूरी आईडी इनके पास मौजूद है। बैरियाल जो है इनको घर तक पहुंचने का पूरा किराया लल्ला भाई ने कर दिया है, और बाकी रास्ते में क्या खाना है क्या पीना है वो हम लोगों ने कर दिया है, जो है मैंने खुद कर दिया है, और इनको खिला पिला भी दिया है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या किस बिरादरी का, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि इंसान है, और इस तरह के इंसानों की मदद करने में हमको बहुत खुशी मिलती है, जो है हमारी पूरी टीम को, खास करके लल्ला भाई को, जो है लल्ला भाई जो करते हैं और या जो हम लोग करते हैं या हमारी टीम करती है, ये उसके लिए है। ये भाई हल्द्वानी के हैं, उत्तराखंड के, और इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जो है पूरी आईडी इनके पास मौजूद है। बैरियाल जो है इनको घर तक पहुंचने का पूरा किराया लल्ला भाई ने कर दिया है, और बाकी रास्ते में क्या खाना है क्या पीना है वो हम लोगों ने कर दिया है, जो है मैंने खुद कर दिया है, और इनको खिला पिला भी दिया है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या किस बिरादरी का, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि इंसान है, और इस तरह के इंसानों की मदद करने में हमको बहुत खुशी मिलती है, जो है हमारी पूरी टीम को, खास करके लल्ला भाई को, जो है लल्ला भाई। तो आपका नाम क्या है? चरणजीत सिंह। आपको यहाँ का पता किसने बताया कि वहाँ चले जाओ? ये होटल में मैंने कहा ना, ये जो होटल वाला नहीं है, हाँ, उसे मैंने कहा भाई साहब 50-100 की मदद करवा दो, चला जाऊँ चंदा करवा दो। पहले मेरे को वहाँ एक तो भेजे मस्जिद में, अच्छा अच्छा मस्जिद में मैंने बहुत मिलते करी, हाँ नहीं तो बच्चे देते चलाया जी, तो मैं ऐसे आया तो चाय वाले दुकान से, हाँ वो बोला लड़का मोटो मोटो से बोला, वो बोला वहाँ जाओ जो पेड़ के नीचे इधर दुकान हो सुनने आप। तो आप उत्तराखंड में कहाँ पे रहते हो? हम रहते हैं नैनीताल साइड में, हाँ में हम। तो सुल्तानपुर से आपको ट्रेन मिल जाएगी? ट्रेन से जाओगे कि बस से? ट्रेन से, बस से किराया बहुत लग जाएगा, हाँ बस से तो बहुत लग जाएगा, 700-800 लग जाएगा। तो ये ट्रेन से भर का किराया आप हल्द्वानी से 350 हमारा वहाँ का लगता है, बस जाती है, ट्रेन नहीं जाती। तो लल्ला भाई से आप मिल चुके हैं? जहाँ भेजा था, हाँ। उन्होंने सब कुछ पूछा आपसे? नहीं, लल्ला भाई बहुत लोगों को मदद करते हैं, बहुत ज्यादा। अभी मेरे साथ में आप इस टाइम थोड़ा सा जो है ग्रुप है नहीं, और नहीं तो आपकी और मदद होती, जो है बैरियाल जो है ए यहाँ 50 जो कर सकते हो वो, कैसे जाओगे तुम? ये यहाँ से जाएंगे सुल्तानपुर, तो लखनऊ नहीं तो लखनऊ से दो गाड़ी हैं आज हल्द्वानी के लिए, उधर बस ही जाती है। इनको रास्ते के किराया का पूरा सपोर्ट हो गया है, कर दिया गया है, जो है 10-20-50 दे दो, रास्ते में चाय पानी अगर कुछ करेंगे जो है तो इनके काम आएगा, जो है दुआ देंगे, जो है हम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है या मुसलमान है या क्या है क्या नहीं, इंसान है, इंसान के साथ इंसानियत करना चाहिए। मैं एक लाला के पास गया, बोला आगे बढ़, लेकिन एक बात मैंने मानी है, हमारे सरदार और मुसलमान में बहुत दिल है, इन लोगों में नहीं है। हम लोगों को मेरे वहाँ अंकल रस्ते में एक को चाय का पिला दे, उनने बोला चल, मैंने किसी से बात नहीं दोबारा कहा। नहीं, हम लोगों से जो है लो रख लो जो है, रास्ते में तुम्हारा चाय पानी का खर्चा हो जाएगा, हैं जो है। एक बात याद रखना दोस्तों, ऐसे लोगों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है, दिली सुकून मिलती है, जो लोग ऐसा नहीं करते एक बार करके देखो, ऊपर वाला जो है कहीं ना कहीं से तुमको देगा ज़रूर, और उसका 10 गुना देगा, आप करके देखिए कितना सुकून मिलता है।